दोस्तों इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये धोखा हर बच्चे को मिल रहा है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। देखो ऐसा लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम्हारे क्या नंबर है। अच्छा वी एज स्टूडेंट्स हेट द एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसके जाल में हर बच्चा फंस रहा है। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज आपको पता चलेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सच। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो नीतीश राजपूत ने बहुत बढ़िया बात बोली है, जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन जब भी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अंदर स्विट्जरलैंड सबसे आगे है। ऐसा क्यों है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। तो इसका सीधा सीधा कारण है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और बच्चों को नया कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। वाला जो वॉर होगा वो लड़ाई झगड़े का नहीं होगा हमारे फ्यूचर के अंदर। वो जो वॉर होगा ना वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का होगा, जिसके लिए आज के टाइम के बच्चे तैयार नहीं है। 10th क्लास के बाद बच्चों को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला साइंस, फिर उसके बाद कॉमर्स, फिर जो बच्चे होते हैं जिनकी आती है 50-60%, उनको बिल्कुल आर्ट्स दे दी जाती है। इस तरीके से बच्चों को जज करा जाता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो इतना तो सब जानते हैं कि ये जो सक्सेसफुल पर्सन इंडियन पर्सन हैं वो गूगल के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, ट्विटर के CEO हैं। वो इंडिया से तो ग्रेजुएट होकर उन कंपनीज के अंदर नहीं गए, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों है। 20-20 साल से पुरानी किताबें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, पुरानी सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात सुनी है, अगर आप किसी से या फिर किसी टीचर से जाकर पूछोगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट लाइफ के अंदर कहां काम आएगा, लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले को या फिर किसी टीचर्स के सामने उस फॉर्मूले को गलत कर दोगे तो वहां पर जज जरूर किया जाएगा। साइंस के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन ये सब कहाँ से पढ़ रहा है, टाइम किस तरीके से मोशन क्यों हो रहा है, ये हमारे किस काम आएगा ये जानकर हमें, ये इंडिया के किसी बच्चे को आज तक नहीं पता कि अगर ये हम जान लेंगे कि हम इस कनकेव मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे तो और वो उससे वो फैल जाएगी या फिर वो बंद हो जाएगी, ये किसी को नहीं जानना और ये इंडिया के बच्चे जान रहे हैं। और पता नहीं क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये बच्चों को बताना चाह रहा है। सर्वे के मुताबिक पता चला है कि जो इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनमें से 90% या फिर 80% बच्चे जॉब ही करना चाहते हैं आगे चलकर, और 80% या 90% बच्चों में से 70% बच्चे इंजीनियर या फिर डॉक्टर्स ही बनना चाहते हैं। इंडिया के अंदर जिस इंसान को देखो जॉब करने पर लगा हुआ है, मतलब वो 3-3, 4-4 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी नहीं लग पा रही है। कि उससे पूछो अगर कि क्यों भाई आप लगे पड़े हो, तो उसका क्या कहना है, लाइफ सिक्योर है गवर्नमेंट जॉब के बाद, मतलब आपको आराम से सैलरी मिलेगी महीने की, और उसके बाद अगर आप रिटायर हो जाओगे तो आपकी 50,000 की महीने की सैलरी 25,000 आपको मिलती रहेगी। इसलिए लोग 4-4 साल से लगे हुए। अब ये जो कल्चर है ना जॉब्स का, ये इंडिया में पहले से नहीं था। इंडिया में ज़्यादातर लोग बिजनेस ही करते थे। देश पर ब्रिटिश आए थे, इंडिया के अंदर ब्रिटिश आए थे, तो उन्होंने ये कल्चर को बनाया है। तो मतलब उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें ऐसे वर्कर्स चाहिए थे जो बैठे रहे अपनी सीट पर कंप्यूटर में लगे रहे या फिर कुछ काम करते रहे और वो कुछ ना बोले, उनका जब टाइम ख़त्म हो तो वो अपने घर चले जाएं, उन्हें महीने की सैलरी मिल जाए। और ये जो कल्चर है ये इतना मजबूत बन चुका है आज के टाइम पे कि हमारे देश को आज़ाद हुए हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी ये जो बिलीव है, ये जो कल्चर है, ये टूटने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों इंडिया हर सेक्टर के अंदर डेवलप्ड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया इस सेक्टर में अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है, और इस सेक्टर में अगर इंडिया डेवलप्ड हो गया तो इंडिया हर सेक्टर के अंदर हर रैंक पर, हर रैंक नंबर 1 पर इंडिया ही होगा। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया हर तरीके से हर रैंक के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पर हो, और ये नंबर 1 पर जब ही हो सकता है, और पुराने जॉब वाले बिलीफ टूटेंगे जब ही। दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी हमारा देश महान है, लेकिन अभी हमें अपने देश को और महान बनाना है, तो लग जाओ आज से ही काम पर अपने देश को महान बनाने के अंदर। आप इस बात से एग्री करते हो या फिर नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर देना।